वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट एडिटिंग अजीत। दोस्तों, जो ब्लैक टोन इफेक्ट है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और जो लाइट रूम में आज हम वही सीखेंगे ब्लैक टोन इफेक्ट कैसे डाले। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। लाइट रूम के अंदर आने के बाद में हमारी फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद में यहाँ पर जाना लाइट वाले पे। लाइट पे जाने के बाद में एक्सपोजर को 20 रखना है, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट रखना है 60। कॉन्ट्रास्ट को 63 रखने के बाद में हाईलाइट को थोड़ा कम करना है, शैडो को थोड़ा बढ़ाना है, वाइटनेस को भी थोड़ा बढ़ाना है, ब्लैक को थोड़ा कम रखना है। फिर चलते हैं कलर वाले पे। कलर वाले पे जाने के बाद में जाना मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद में ग्रीन पे जाना है। ह्यू को बिल्कुल कम करना है, सैचुरेशन को भी बिल्कुल कम करना है, ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा कम करना है। फिर चलते हैं येलो वाले पे। येलो पे जाने के बाद में ह्यू को बिल्कुल भी कम करना है, सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस रखना थोड़ा सा, और ल्यूमिनस में थोड़ा सा ल्यूमिनेशन इसको इतना रखना है। फिर चलते हैं ऑरेंज वाले पे। ऑरेंज पे जाने के बाद में ह्यू को थोड़ा सा माइनस करना है, सैचुरेशन को थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस को थोड़ा बढ़ाना है। फिर ब्लू वाले पे जाने के बाद में सैचुरेशन को माइनस करना है और इसको भी थोड़ा माइनस करना है। डन करने के बाद में हम चलते हैं विग्नेट में। विग्नेट में चलने के बाद में हमें थोड़ा सा इसको माइनस करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फोटो के जस्ट हिसाब से। थोड़ा सा डीहेज को बढ़ाना, क्लियरिटी को बढ़ाना, टेक्स्चर को बढ़ाना। फिर चलते हैं ट्राइंगल वाले पे। जाने के बाद नॉइस रिड्यूसन को बढ़ाना है। तो देख सकते हैं हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।